आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही दुर्लभ बंदरों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद आज से पहले नहीं पता होगा, जिनमें कुछ बहुत ही खूबसूरत हैं, तो कुछ दिखने में बहुत ही अजीब। कुछ बंदरों की पूंछ बहुत बड़ी है तो कुछ बंदर ही छोटे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बोल्ट उकारी मंकी। ये बंदर ब्राजील और पेरू के अमेज़न नदी के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले बंदर हैं, जिनके पूरे शरीर में बाकी बंदरों की प्रजातियों के मुकाबले बहुत घने और लंबे बाल होते हैं, लेकिन इनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता। यही कारण है कि इसे बोल्ट उकारी नाम दिया गया है। इस बंदर का चेहरा भी पूरा लाल रंग का होता है। इन बंदरों में जिसका चेहरा जितना लाल होता है उसे उतना ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है, और इन बंदरों के जबड़े बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत मजबूत होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज को आसानी से खा सकते हैं। कैंपोचिन मंकी। कैंपोचिन मंकी सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाली न्यू वर्ल्ड मंकी प्रजाति के बंदर हैं, जिनके चेहरे से लेकर छाती तक के बाल भूरे रंग के होते हैं, जबकि बाकी का शरीर काले रंग का होता है। न्यू वर्ल्ड मंकी की प्रजातियों में कैंपोचिन बंदर सबसे बुद्धिमान और समझदार प्रजाति है। इन बंदरों का दिमाग ही इनकी खासियत है। ये कुछ भी काम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए बहुत से इंसान इन्हें अपने घरों में पालतू बनाकर रखते हैं। सिखाए जाने पर ये बंदर कुछ भी काम कर सकते हैं, और ये बहुत से शो और फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं। मैंड्रिल मंकी। मैंड्रिल सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाली बंदरों की प्रजाति है, और ये दुनिया के सबसे रंग बिरंगे स्तनधारियों में से एक है। मैंड्रिल का मुंह लंबा होता है और मुंह में नीला, सफेद और लाल रंग का डिजाइन बना होता है, लेकिन इसकी पूंछ बहुत ही छोटी होती है। मैंड्रिल बहुत बड़ा मुंह खोल सकते हैं और इनके दांत भी बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से ये बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और उनके साथ घुल मिलकर रहते हैं। गिबॉन मंकी। ये बंदर भारत, चीन, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये छोटे आकार के बंदर होते हैं, और इनकी खास बात होती है कि ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जीवन साथी के साथ गुजारते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि नर गिबॉन काले रंग के होते हैं, जबकि मादा गिबॉन सफेद रंग की होती है। ये बंदर कुछ न कुछ शरारती हरकतें करते रहते हैं, जिस वजह से लोगों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे कि ये पिछले दोनों पैरों पर चलते हैं और अपना संतुलन बनाने के लिए दोनों हाथों को हवा में उठाते हैं। ये जब दोनों पैरों पर हाथ को हवा में उठाकर लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान मस्ती कर रहा हो। साइमंग मंकी। साइमंग भी गिबॉन परिवार के ही बंदर होते हैं, लेकिन ये आकार में गिबॉन मंकी से दुगने होते हैं। ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। साइमंग मंकी पीछे से देखने पर चिंपैंजी की तरह लगते हैं, लेकिन इनकी गर्दन इन्हें बाकी सभी बंदरों की प्रजातियों से अलग बनाती है। इनके गर्दन में एक थैली लटकी होती है जो आकार में इनके सिर जितनी ही होती है, जिसका इस्तेमाल ये अलग अलग ऊंची आवाजें निकालने के लिए करते हैं, और इनमें ये अपने खाने को भी सुरक्षित रख सकते हैं। प्रोबोसिस मंकी। ये बंदर बोर्नियो के आइलैंड में पाए जाते हैं, और ये सबसे बड़े बंदरों की प्रजाति में से एक है। ये बंदर अपनी नाक की वजह से आसानी से पहचाने जाते हैं, जो कि सभी बंदरों की प्रजाति में सबसे लंबी होती है। नर प्रोबोसिस के नाक की लंबाई 4 इंच तक होती है, जबकि मादा की नाक इससे छोटी होती है लेकिन नुकीली होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपनी लंबी नाक का इस्तेमाल मादा प्रोबोसिस को लुभाने के लिए करते हैं, और जिसकी नाक जितनी लंबी होती है मादा उस नर से उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। रेड शैंकेन ड्यूक मंकी। रेड शैंकेन ड्यूक प्रजाति के बंदर वियतनाम और कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सबसे रंग बिरंगी बंदरों की प्रजाति में से एक हैं, इसलिए दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इन्हें बंदरों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सिर पर ग्रे रंग के बाल होते हैं जो किसी मुकुट की तरह लगती है। इनके सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ, हाथ की उंगलियां, पैर, पैर की उंगलियां और पूंछ, सभी जगह के बाल अलग अलग रंग के होते हैं, और इनके गालों में मौजूद सफेद बाल इन्हें और भी आकर्षित बनाते हैं। एम्परोर टैमरीन मंकी। ये बंदर ब्राजील, पेरू और बोलिविया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन बंदरों की खासियत इनकी लंबी मूंछ से होती है, जो इन्हें बाकी बंदरों की प्रजाति से अलग बनाती हैं। इन बंदरों की मूंछ सफेद रंग की लंबी और दोनों तरफ से घूमी हुई होती है। इन बंदरों की मूंछ जर्मनी के प्राचीन सम्राट एम्परर विल्हेल्म सेकंड की तरह लगती हैं। यही कारण है कि इन बंदरों को भी एम्परर नाम दिया गया है। व्हाइट फेस शैकी। ये बंदर फ्रांस, ब्राजील, युगाना और बोलिविया में पाए जाते हैं। इन बंदरों का ये नाम इनके चेहरे की वजह से रखा गया है, जो पूरी तरह सफेद रंग का होता है, जबकि इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, और जब ये पेड़ पर बैठते हैं तो सफेद मुंह और काली पूंछ की वजह से
किसी पक्षी की तरह लगते हैं, द ब्रेजास मंकी। ये बंदर सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले बंदर हैं और ये दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत अलग होते हैं। इनके माथे पर संतरी रंग के बाल होते हैं और सफेद रंग की दाढ़ी होती है। इनके माथे पर ऑरेंज बाल इन्हें दिखने में बाकी बंदरों के मुकाबले अलग बनाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कॉलोबस मंकी। ये बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनके नाम के मुताबिक ये काले और सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनके शरीर में यहाँ पर भी सफेद रंग होता है, वहाँ के बाल बहुत लंबे होते हैं। खास तौर पर इनकी पूंछ भी सफेद और काले रंग की होती है, लेकिन सफेद रंग इनकी पूंछ के अंत में होता है, जिससे इनकी पूंछ बहुत लंबी और आकर्षित लगती है। अपने लंबे सफेद बालों की वजह से जब ये पेड़ों पर छलांग लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हों। स्नब नोज़ेड मंकी। ये बंदर एशिया के कुछ बर्फीले हिस्सों में पाए जाते हैं। इनके लंबे बालों की वजह से इन्हें ठंडी जगह ज्यादा पसंद है और ये हमेशा झुंड में रहते हैं, जिनमें लगभग 600 सदस्य होते हैं जो अपना अधिकतम समय पेड़ों पर बिताते हैं। इन बंदरों का ये नाम इनकी छोटी नाक के वजह से दिया गया है और इनके होंठ भी किसी सर्जरी कराई हुई अभिनेत्री की तरह बड़े और मोटे होते हैं और यही सब इन बंदरों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। स्पाइडर मंकी। ये बंदर साउथ और सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील में पाए जाते हैं, जो काले रंग के होते हैं। इनकी टांगे और पूंछ बहुत लंबी होती हैं, इसलिए ये न्यू वर्ल्ड मंकीज के सबसे बड़े बंदरों में से एक हैं। अपने बड़े आकार की वजह से ये घने पेड़ वाले इलाकों में रहते हैं और जब ये अपने लंबे पैर और पूंछ को फैलाकर पेड़ों पर उछलते हैं तो नीचे से किसी मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्पाइडर मंकी नाम दिया गया है। इन बंदरों की खासियत है कि इन पर मलेरिया जैसी बीमारी का असर नहीं होता और ये वरदान इनके लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए पहले इन पर दवाइयों को आजमाया जाता है और जंगल काटे जाने की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसलिए अब ये लुप्त प्राय प्रजातियां बन गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज सभी पशु पक्षियों की प्रजातियां गहरे संकट में हैं, क्योंकि आज इंसान समस्त पृथ्वी को प्रदूषण से भरता जा रहा है, साथ में इन निर्दोष पशु पक्षियों के घरों को भी बुरी तरह से नष्ट करा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद इन सभी प्रजातियों को सिर्फ फोटो और वीडियोस में ही देख पाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सांप देखना चाहते हैं या दुनिया के सबसे छोटे जानवर देखना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो केयर नेचर के साथ जुड़कर आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।